हाय, पल्लवी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ रवा के लड्डू। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी छोटा रवा। मैंने छोटे रवे को अच्छी तरह रोस्ट करके लिया है और मैंने लिया है 1 और दूसरे कटोरे में थोड़ा सा कम 1 और आधा कटोरा शक्कर। और मैंने लिया है 6 इलायची और बादाम काजू और किशमिश। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसी कढ़ाई में रवा को भून लिया था, इसमें मैंने शक्कर डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। हमको पानी शक्कर भीगने तक उतना ही लेना है, उसमें बहुत पानी नहीं डालना है। मैं इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी और मैं गैस जलाऊंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके लूंगी। हमको शक्कर को पूरा गलने देना है। ऐसे 1 कटोरी में डाल के इसको हम चेक करके देखेंगे कि ये अच्छी तरह हुआ है या नहीं है। तो देखिए हम पानी में डाल के इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए ऐसे हाथ में आ रहा है। तो ये अभी पूरी तरह पक चुका है। ये देखिए मैं और एक बार दिखाऊंगी। एकदम से इसका घोल बन रहा है अभी। तो ये देखिए ये हाथ में रखने के बाद ऐसे हो रहा है। तो हमारा पाक अच्छी तरह बन चुका है। अब मैं इसको बंद करूंगी और इसके अंदर में रवा डालूंगी। तो मैंने इसके अंदर रवा डाला है और इसको अच्छी तरह हिला के मिक्स करके लूंगी। तो मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल के लिए है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसमें इलायची का पाउडर भी डालने वाली हूँ। तो मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी मिक्स करके लिया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिला के लेती हूँ। तो मैंने गैस की फ्लेम बंद करी है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए अलग से इसे रखूंगी। बाद में मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए अब मैं लड्डू बना रही हूँ। तो चलिए ऐसे ही सभी लड्डू बना के लेते हैं। तो ये देखिए मैंने रवा के लड्डू पूरे बांध के लिए है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।